उत्तर प्रदेश की जनपद बहराइच में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र की कुशल निर्देशन पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक कुमार के नेतृत्व में क्षेत्राधिकारी नानपारा जंग बहादुर यादव व प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र श्रीवास्तव की टीम द्वारा कस्बा नवाबगंज में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। चौकी प्रभारी कस्बा अनुज त्रिपाठी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा संख्या 519/2020 धारा 41 411 413 414 419 420 467 468 471 भादवी थाना कोतवाली नानपारा में वांछित तथा 10,000 का पुरस्कार घोषित व थाने का टॉप 10 अपराधी इरफान पुत्र मुस्ताक अली निवासी जगन्नाथपुर थाना को नानपारा अपने साथियों के साथ चोरी की मोटरसाइकिलों को बेचने के लिए जगन्नाथपुर के रास्तों से नेपाल की तरफ जाने वाला है। उक्त सूचना पर टीम द्वारा जगन्नाथपुर गांव के पहले नहर के किनारे पक्की सड़क पर पहुंचकर नानपारा की तरफ से आने वाली सभी मोटरसाइकिल की सघन चेकिंग प्रारंभ किया गया। थोड़ी देर बाद ही नानपारा की तरफ से आ रहे 4 मोटरसाइकिलों से 4 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा सभी को रोककर उनसे पूछताछ व गाड़ियों के प्रपत्र चेक किए गए तो सभी फर्जी पाए गए। कड़ाई से पूछताछ करने पर चारों अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग विभिन्न जनपदों से मोटरसाइकिल चुरा कर लाते हैं और उनके नंबरों व कागजों में हेराफेरी करके रिजवान व बाबा खान से फर्जी व कूट रचित असली के जैसा नकली रजिस्ट्रेशन प्रपत्र बनवा कर उसको नेपाल राष्ट्र व अन्य जगह पर बेच देते हैं तथा अर्जित लाभ को आपस में बांट लेते हैं। अभियुक्त इरफान उर्फ गुरफरान पुत्र मुस्ताक अली निवासी जगन्नाथपुर थाना कोतवाली नानपारा, मुजीब पुत्र वकील अहमद निवासी शिवपुर रोड नानपारा देहात, यासिन अली उर्फ मिस्टर खान पुत्र मोहम्मद जक्की निवासी आमा पोखर थाना रुपईडीहा, प्रवीण पुत्र राजा राम निवासी देवदत्त थाना खैरीघाट को गिरफ्तार कर सभी अभियुक्तों को सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज करते हुए जेल रवाना किया गया। जनपद बहराइच में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो वाहन चोर गिरोह के सदस्यों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा था, उसमें थाना नानपारा में पूर्व में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 519/20 में एक वांछित अभियुक्त इरफान गुफरान के बारे में चौकी इंचार्ज कस्बा नानपारा को खबर मिली कि ये अपने अन्य साथियों के साथ कुछ चोरी की अन्य मोटरसाइकिलें हैं उनको बेचने की फिराक में है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक नानपारा श्री डी के श्रीवास्तव और उनकी टीम ने जगन्नाथपुर पक्की सड़क पर इन लोगों का इंतजार किया। आने पर 4 व्यक्तियों को रोका गया और रोक करके उनसे पूछताछ की गई तो उन व्यक्तियों में इरफान और मुजीब ये नानपारा के ही रहने वाले हैं, यासीन अली और मिस्टर खान ये आमा पोखरा रुपैडिया का रहने वाला है और एक अन्य व्यक्ति प्रवीण पुत्र राजा राम ये देवदत्तपुर निवासी है। इनसे पूछताछ के आधार पर कुल 10 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। ये मोटरसाइकिलें इरफान के पक्के घर की एक कोठरी में रखते थे तथा रिजवान नाम के व्यक्ति से ये इनके फर्जी कागज आधार कार्ड फर्जी के आधार पर इनका रजिस्ट्रेशन करते थे और नेपाल और आसपास भी इनको बिक्री करते थे। तो बरामद मोटरसाइकिलों फर्जी प्रपत्रों और अन्य अभिलेखों के आधार पर इनके विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 570 धारा 41/411 413 414 419 420 467 468 और 471 आईपीसी के इन चारों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। इसमें अन्य लोग जो फर्जी आधार कार्ड के आधार पर रजिस्ट्रेशन करते थे और इस वाहनों के विक्रय में सहयोग करते थे उनकी अभी पुलिस को तलाश है। शीघ्र ही हम उनको गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध भी संबंधित कार्रवाई करेंगे। थाना नानपारा की पुलिस द्वारा इस तरह कार्य किया गया है, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसकी सराहना की गई है। अखंड भारत न्यूज के लिए शकील अंसारी की रिपोर्ट बहराइच।